सब्सक्राइब कीजिए नुमान टेक्नोलॉजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल स्क्रीन पर देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम नुमान है और आप देख रहे हैं नुमान टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल। तो यार आज की वीडियो में ना मैं आपके लिए लेकर आया हूँ चार बहुत ही ज्यादा कमाल के स्मार्टफोन, डब्बा पैक, ऑफिशियल पीटीए अप्रूव। अभी के टाइम पे जितने मोबाइल फोन महंगे हो गए हैं ना, तो यार कुछ मोबाइल फोन का प्राइस कट जो अभी आया है, अब ये प्राइस कट जो है ना वो इस वजह से आया है क्योंकि कस्टमर की डिमांड जो है वो बहुत ज्यादा कम हो चुकी है और इनके पास स्टॉक जो है वो बहुत ही ज्यादा पड़ा हुआ है। तो कंपनी ने कुछ मोबाइल फोन की कीमतों में जो है वो कमी की है और इन कमी का फायदा उठाते हुए अभी के टाइम पे अगर आपके मोबाइल फोन लेने का सोच रहे हैं ना, तो ये चार मोबाइल फोन मेरी नजर में ना एक अच्छी ऑप्शन आपके लिए निकलकर आ सकती है। क्योंकि यार अभी के टाइम पे एक अच्छा मोबाइल फोन ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल काम है और मैं इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से फेस करता हूं कि मेरे पास काफी लोग ऐसे आते हैं जो कहते हैं यार हमारा 30-35 हज़ार रुपए का बजट है और हमें कोई अच्छा मोबाइल फोन बता दो, जबकि मार्केट के अंदर इस बजट के अंदर कोई मोबाइल फोन पिछले दिनों थे ही नहीं। तो अब फाइनली कुछ मोबाइल फोन जो है वो इस लिस्ट के अंदर आ गए हैं, यानी कि 40 हज़ार रुपए के अंदर अगर आप कोई अच्छा मोबाइल फोन लेना चाहते हैं तो मैं आपको चार मोबाइल फोन साथ बताऊंगा मुख्तलिफ ब्रांड्स के, जो कि आपके लिए एक अच्छी ऑप्शन जो है निकलकर आ सकते हैं। तो यार सबसे पहला जो मोबाइल है ना वो है टेक्नो की तरफ से, टेक्नो पवन न्यू। अब इसकी जो कीमत है ना यार पाकिस्तान के अंदर वो अब 35 हज़ार रुपए कर दी गई है। इसकी पहले कीमत जो है वो काफी ज्यादा हाई कर दी गई थी, लेकिन अब इसको फाइनली जो है वो 35 हज़ार के ऊपर जो वो ले आया गया है। अब 35 हज़ार रुपए के अंदर आपको 4GB 64GB मेमोरी आपको देखने को मिल रही है, 6.8 इंच का एक आपको बड़ा डिस्प्ले आपको देखने को मिल रहा है IPS LCD 720 पिक्सल वाला। साथ में इसके अंदर आपको मीटर का हीलियो G25 का प्रोसेसर आपको देखने को मिल रहा है, 6000 mAh की बैटरी है। कैमरा डिपार्टमेंट के ऊपर आ जाए तो कैमरा का जो है वो मेन कैमरा वो 16 MP का, साथ में आपको एक दो कैमरे रेलू जो VGA कैमरा होता है जिसको मैं रेलुकटा कैमरा कहता हूँ वो आपको देखने को मिल जाते हैं। फ्रंट कैमरा इसका 8 MP का आपको देखने को मिल जाता है और इसकी जो ऑफिशियल कीमत है वो 35 हज़ार रुपए और बाकी ऑफलाइन मार्केट में अगर आप जाके खरीदेंगे तो आपको 1000-1200 का और डिस्काउंट आपको देखने को मिल जाएगा। तो यार ये मोबाइल फोन एक अच्छी ऑप्शन है उन लोगों के लिए जो कि हल्की फुल्की गेमिंग करते हैं और ज्यादातर मल्टीमीडिया लवर है, बेल टाइपिंग मांगते हैं, क्योंकि इस मोबाइल फोन के अंदर 6000 mAh की बैटरी है जो कि मेरा नहीं ख्याल कि आपके 2 दिन से पहले जो है वो बैटरी खत्म होने वाली है। ये आपको आराम से 10 से 11 घंटे का बैकअप आपको देगा अगर आप लगातार इसको यूज करते हैं तो। उसके बाद यार जो नेक्स्ट मोबाइल फोन है ना वो है इन्फिनिक्स की तरफ से, इन्फिनिक्स का होट 12 प्ले। अब इसकी भी जो है ना कीमत वो पहले 45-46 हज़ार रुपये जो है वो कर दी गई थी, लेकिन अब इसकी फाइनली जो है वो कीमत को कम कर दिया गया और अब इसकी जो कीमत कर दी गई है इन्फिनिक्स होट 12 प्ले की वो 36 हज़ार रुपये कर दी गई है पाकिस्तानी मार्केट के अंदर। और 36 हज़ार रुपये के अंदर आपको जो स्पेसिफिकेशन देखने को मिल रही है वो काफी ज्यादा अच्छी और डिसेंट स्पेसिफिकेशन है इस मोबाइल फोन के अंदर। इस मोबाइल फोन के अंदर यार आपको 6.82 इंच का एक आपको बड़ा डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाता है और इसके अंदर भी आपको 6000 mAh की बड़ी बैटरी आपको देखने को मिल जाती है, लेकिन फास्ट चार्जिंग का किसी कोई स्पोर्ट नहीं है इसके अंदर। बाकी इसके अंदर आपको मेन कैमरा जो है वो 13 MP का देखने को मिल जाता है, फ्रंट कैमरा उसके अंदर आपको 8 MP का देखने को मिल जाता है, इसके अंदर 4GB 64GB का रैम रोम का वेरिएंट हमें देखने को मिल जाता है। अब इसके अंदर जो प्रोसेसर रखा गया है वो मुझे नहीं पता कौन सा प्रोसेसर है, मैंने नेट पे सर्च वगैरह भी किया लेकिन इसके अंदर प्रोसेसर जो है वो बता ही नहीं रहते, बस यही आ रहा था कि ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। अब मेरा ख्याल से ये भी हीलियो G25 का ही प्रोसेसर होगा या G35 का प्रोसेसर होगा। तो अगर आपकी हल्की फुल्की गेमिंग है तो आपके लिए ये एक अच्छी ऑप्शन जो निकल कर आ सकती है। बैटरी भी अच्छी है, डिवाइस 6000 mAh बैटरी के साथ डिवाइस ज्यादा मोटी भी नहीं क्योंकि ये डिवाइस मैंने फिजिकली तौर पे जो है वो देखी हुई भी है, तो एक अच्छी ऑप्शन है। 36 हज़ार रुपए इसकी कीमत है और 36 हज़ार रुपए के अंदर इन्फिनिक्स होटल पे अगर आप इन्फिनिक्स लवर है तो आपके लिए एक अच्छी ऑप्शन जो है निकलकर आ सकती है। उसके बाद यार नेक्स्ट मोबाइल फोन को लेकर बात करूं ना यार, तो नेक्स्ट मोबाइल फोन जो आ रहा है वो आ रहा है टेक्नो की तरफ से और टेक्नो का ये मोबाइल फोन जो है वो टेक्नो स्पार्क 8C है। अब इसकी भी जो है वो प्राइस को कम कर दिया गया, पहले इसकी प्राइस जो है वो 4,000 तक चले गई थी लेकिन अब इसका फाइनली प्राइस कट लग गया है। तो टेक्नो स्पार्क 8C अभी के टाइम पे आपके लिए एक अच्छी ऑप्शन है, इसकी प्राइस जो है 37 हज़ार रुपये कर दी गई है। अब 37 हज़ार रुपये के अंदर आपको 6.6 इंच का एक आपको IPS LCD वाला डिस्प्ले आपको देखने को मिलता था, लेकिन ये जो डिस्प्ले है आपको नॉच वाला देखने को मिलेगा। इससे पहले जो मैंने आपको दोनों डिस्प्ले बताए वो आपको पंच होल वाले थे और इसके अंदर आपको अभी मेन कैमरा वो आपको 13 MP का देखने को मिल जाता है, फ्रंट कैमरा आपको 8 MP का देखने को मिल जाता है और बैक पे फिंगरप्रिंट स्कैनर वगैरह भी है, 4GB 64GB मेमोरी है और इसकी जो बैटरी है वो 5000 mAh की है। किसी किस्म की फास्ट चार्जिंग को ये मोबाइल फोन जो वो सपोर्ट नहीं करता, सिंपल 2 एम्पीयर की चार्जिंग पे ये मोबाइल फोन जो है चार्ज होगा, लेकिन इसके अंदर ये है कि अगर आप नॉर्मल यूजेज करते हैं और अगर आप पसंद करते हैं या टेक्नो वगैरह के मोबाइल फोन्स को तो आपके लिए एक अच्छी ऑप्शन है और डिसेंट प्राइस है, 37 हज़ार है। ऑफलाइन मार्केट में आपको 1000-1200 का डिस्काउंट भी मिल जाएगा, यानी अगर आपको 36 हज़ार रुपये में 4GB 64GB वाली टेक्नो की डिवाइस आपको देखने को मिल रही है तो मेरी नज़र में एक आपके लिए एक वैल्यू फॉर मनी डिवाइस और एक अच्छी ऑप्शन निकल कर आ सकती है। उसके बाद यार जो नेक्स्ट डिवाइस है जो मैंने रखी है वो सैमसंग की तरफ से। अब सैमसंग की जो डिवाइस है ना ये है तो काफी ज्यादा पुरानी लेकिन इसकी कीमतें जो है ना वो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रही थी, तो ये है डिवाइस सैमसंग की, सैमसंग गैलेक्सी A22।
अब इसकी प्राइस जो है वो फाइनली कम हो गई है। पहले भी इसकी जो प्राइस थी वो काफी ज्यादा बढ़ गई थी, तो अब इसकी फाइनली जो है वो प्राइस है 41,000 जो है वो कर दी गई है। ऑफलाइन मार्केट में आपको तकरीबन 1,500 रुपये का डिस्काउंट आपको देखने को मिल जाएगा इस डिवाइस के ऊपर, और यानी तकरीबन आपको 39,500 की डिवाइस आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अंदर भी जो आपको स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाती है वो आपको थोड़ी सी गेमिंग लेवल वाली स्पेसिफिकेशन भी आपको मोबाइल फोन जो प्रोवाइड कर देता है, क्योंकि इस मोबाइल फोन के अंदर आपको 6.4 इंच का एक आपको आईपीएस पैनल आपको देखने को मिल जाता है। और ये जो आईपीएस पैनल है ये सैमसंग के जो आईपीएस पैनल होते हैं ना वो इन्फिनिक्स टेक्नो वगैरह के नस्बत ना काफी ज्यादा अच्छे और इम्प्रूव होते हैं। और साथ में आपको इसके अंदर मेन कैमरा जो है वो 48 मेगापिक्सल का आपको देखने को मिल जाता है, और कैमरा भी जो है सैमसंग के जो है वो काफी ज्यादा अच्छी होती है। फ्रंट कैमरा इसका जो है वो आपको 13 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाता है सैमसंग के अंदर। और इन तमाम मोबाइल्स के नस्बत ना अगर आप 3-4 हजार रुपये ज्यादा खर्च कर लेंगे ना तो ये सैमसंग गैलेक्सी A22 जो डिवाइस है ना ये आपके लिए एक अच्छी और डिवाइस जो है निकल कर आ सकती है। इसकी बिल्ड क्वालिटी मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद, क्योंकि ये टोटली जो है ना वो सिंगल फ्रेम के अंदर बना हुआ है, और इसकी जो प्लास्टिक है ना बिल्ड वो बहुत ज्यादा बुरी सी है। लेकिन अगर आप गुजारा कर सकते हैं ना तो इंटरनल स्पेसिफिकेशन इस मोबाइल फोन की अच्छी है। बाकी बात करें और मजीद इंटरनल्स को लेकर तो 5000 mAh की आपको बड़ी बैटरी आपको देखने को मिल जाती है, 15 वाट की ये फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है ये मोबाइल फोन, ये भी इसके अंदर एक अच्छी बात है। साथ में प्रोसेसर को लेकर बात करें तो इसके अंदर आपको मीटर का हीलियो G80 का प्रोसेसर आपको देखने को मिल जाता है, जो कि 12 नैनोमीटर बेस एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, और आपको नॉर्मल गेमिंग वगैरह जो है ना वो 40 FPS के ऊपर यानी कि पबजी वगैरह कॉल ऑफ ड्यूटी वगैरह आपको 40 FPS के ऊपर ये मोबाइल फोन जो है आराम से प्रोवाइड कर देगा। तो यार अभी के टाइम पे अगर आपको मोबाइल फोन लेना चाह रहे अंडर 40,000 तो ये जो मैंने आपको 4 डिवाइसेस बताई है ना तो ये आपके लिए एक अच्छी ऑप्शन है। 35-36 हजार बजट है तो आप बाकी डिवाइसेस के ऊपर जा सकते हैं, लेकिन अगर आपका 40 तक बजट है और आप 40,000 खर्च करना चाहते हैं तो ये सैमसंग की जो डिवाइस है सैमसंग गैलेक्सी A22 इसको जाके आप डेफिनेटली परचेस कर सकते हैं, मैं इसको आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा। तो बस आज की वीडियो करते हैं ये पे द एंड, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर फिर भी जेन में आपको कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछ लीजिएगा, मैं आपको तकरीबन हर कमेंट का ही जो है वो जवाब दे देता हूं। तो आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला अब नेक्स्ट आने वाली वीडियो में। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा, आपको मानता है। अल्लाह हाफिज।